हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि हम कैसे स्लिप को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो गाइस चलिए मैं आज की वीडियो में आपको बता सकता हूँ कि हम स्लिप को कैसे कस्टमाइज़ करेंगे। तो उससे हमारा होता क्या, जैसे कि हमने अपनी मर्जी से सेट किया, चेंज किया, उसे हम कस्टमाइज़ कहते हैं गाइस। तो गाइस जैसे कि मैं आपको बताता हूँ हमें करना है, पहले क्या है, आपको मोबाइल सेटिंग क्या करना चाहते हैं, तो मोबाइल सेटिंग क्या करना चलते हैं। और ये हमें रेडमी का फ़ोन दिया हुआ है, बट आपको मोबाइल वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं आपको अभी मोबाइल सेटिंग का आइकन दिया हुआ, जिसको हम कह लेते पहले ओपन। ओपन करने के बाद आपको गाइस क्या करना है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे काफ़ी सारी फंक्शन आइकन दी हुई है, बट आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है लॉक स्क्रीन। तो हम गाइस लॉक स्क्रीन को ओपन कर लेते हैं। लॉक स्क्रीन को ओपन करने के बाद आपको गाइस क्या करना है, आपको यहाँ पे स्लिप को कस्टमाइज़ करनी है। तो यहाँ पे हम स्लिप पे क्लिक कर लेते हैं। और हाँ गाइस, मैं आपको ध्यान दे देता हूँ कि हमें स्लिप को होता क्या है। जैसे ही आपको स्लिप मैंने 15 सेकंड 10 सेकंड का कस्टमाइज कर रखा है, अपने मर्जी से सेट कर रखा है, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, 10 सेकंड बाद आपका जो मोबाइल स्क्रीन है आपका अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो वही हम कस्टमाइज़ करना बताएंगे। तो गाइस यहाँ पे स्लिप पे क्लिक कर लेता हूँ, जो कि मैंने 2 मिनट का लगा रखा है, चेंज कर रखा है। तो गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 15 सेकंड का दिया हुआ है, 13 सेकंड का दिया हुआ, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट एंड 10 मिनट का भी दिया हुआ है। तो गाइस यहाँ पे मैं 10 मिनट का रख लेता हूँ, क्योंकि ओबियसली हमें कुछ काम करना होता है और हम यहाँ पे बार बार मोबाइल टच नहीं कर सकते, इसलिए मैंने 10 मिनट का रख लिया है। तो 10 मिनट बाद आपका मोबाइल बंद हो सकता है, बट 5 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद नहीं हो सकता। तो यहीं पे मेरी वीडियो समाप्त होती है, और अगले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।